हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। किस तरीके से दशमलव संख्याओं को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं में क्या पढ़ेंगे आज हम? जोड़ना, दशमलव संख्याओं को घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये चारों चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। कौन सी संख्याओं को? दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दशमलव संख्याओं को जोड़ना, बेसिक जो कंसेप्ट है वो सीखते हैं हम। दशमलव संख्याओं को जोड़ना, हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं को जोड़ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दशमलव संख्या उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है वो हम देखते हैं। तो कुछ संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2.050। इस तरीके से एक संख्या ये ले ली, और इसके अलावा और संख्या ले लेते हैं 3.532। इस तरीके से एक संख्या और ले लेंगे 5.72। उसके बाद में ले लेंगे 0.73। उसके बाद में ले लेंगे 1.7। इस तरीके से हमने कुछ संख्या ले ली, उनसे इस संख्याओं को जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे हम? जो बेसिक कंसेप्ट अपनाते हैं वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो आपके पास में ये जो पॉइंट है, एक तरीके से ये पॉइंट, इसको ही क्या कहते हैं हम? दशमलव कहते हैं। ये पॉइंट एक तरीके से क्या काम करता है? एक तरह से बॉर्डर है। ये क्या है? एक तरीके से बॉर्डर है। आप इसको बॉर्डर समझ सकते हैं। कौन सी बॉर्डर? भारत पाकिस्तान बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? भारत पाकिस्तान बॉर्डर। कौन? ये दशमलव जो दे रखा है। उसी तरीके से आगे लिखना है, यानी दशमलव के इधर वाले आदमी तो अलग, दशमलव के उधर वाले आदमी अलग। तो देखिए, पॉइंट को हमेशा बॉर्डर हमेशा कहां रहेगी? बीच में रहेगी। तो 5.32, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5. पॉइंट हमेशा, पॉइंट का मतलब क्या है? बॉर्डर। बॉर्डर हमेशा कहां रहेगी? बीच में। दोनों तरफ जो आदमी है वो दोनों तरफ खड़े रहेंगे। उसके बाद में देखते हैं 0.73, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में क्या है? 1.7, इस तरीके से लिखना। यानी पॉइंट हमेशा कहां होगा? बीच में होगा। पॉइंट एक तरीके से क्या काम कर रहा है? बॉर्डर का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बॉर्डर का। और जहां जहां खाली जगह है वहां क्या लिख लेंगे? जीरो लिख लेंगे। बॉर्डर के जहां पर भी जगह खाली है वहां हमने क्या लिख लिए? जीरो लिख लिए। तो अब इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल कितनी लग जाएगी? 1 लग जाएगी। 1 और 5 6, 6 और 7 कितना होता है? 13, 13 और 7 कितना होता है? 13 और 7 20 होता है। 20 और 7 कितना होता है? 27, 27 के साथ हासिल कितनी लग जाएगी? 2 लग जाएगी। अब जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12, 12 और 1 13, कितना आ जाएगा? 13। लेकिन बॉर्डर कहाँ है? तीन संख्याओं को छोड़ने के बाद में, यानी तीन आदमियों को छोड़ने के बाद में बॉर्डर है। तो 1, 2, 3 आदमियों को छोड़ने के बाद में ये अपनी बॉर्डर आ जाएगी। और बॉर्डर होता है वही क्या होता है? दशमलव होता है। ये इनका सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 13.732। पीछे वाली जो संख्या उनको एक साथ में नहीं बोला जाता, पीछे वाली हर एक अंक को बोला जाता, क्योंकि अपने हाथ में ये क्या है? एक एक आदमी, हर एक आदमी, इसलिए इसका क्या अपना अपना नाम है। यह है 7, यह है 3, यह है 2, 13.732। तो इसको इस तरीके से टोटल इसका किया जाता है। तो इस तरीके से आपको टोटल करना, जिसमें क्या करेंगे, ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर का मतलब दशमलव, दशमलव हमेशा कहां रहेगा? बीच में रहेगा। और ये नीचे भी कितने संख्याओं को छोड़कर? तीन संख्या। तो नीचे भी कितनी संख्याओं को छोड़कर दशमलव लगाना पड़ेगा? तीन संख्याओं को। तीन संख्या नहीं है, तीन आदमी। क्या है? तीन आदमी खड़े हैं बॉर्डर के इस तरफ, और इस तरफ कितना खड़े हैं? दो खड़े हैं। टोटल करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम दशमलव को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब कर देते हैं हम दशमलव को घटाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं।
अब है दशमलव संख्याओं को क्या करना, घटाना। किस तरीके से दशमलव संख्याओं को घटाया जाता है वो देख लेते हैं। दो संख्या मान लीजिए अपने हिसाब से, अपने आपके हिसाब से भी कोई भी संख्या आप मान सकते हो। मान लीजिए मैं संख्या मान लेता हूं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 11.10000 मान लीजिए। और दूसरी संख्या मैं मान लेता हूं जैसे 3.5732 और 1, ठीक है, ये मैंने मान ली। इस तरफ देखो बॉर्डर के इस तरफ कितने आदमी खड़ा है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे भी कितना आदमी खड़े होने चाहिए, 5 आदमी खड़े होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बॉर्डर के एक तरफ बराबर आदमी खड़े हैं, यानी बॉर्डर के इस तरफ जो आदमी है वो बराबर खड़े होने चाहिए, यहाँ इस बॉर्डर के यहाँ जितने आदमी उतने उतने आदमी यहाँ होने चाहिए, और नहीं है तो अपने को क्या लगा देना है, 0 लगा देना। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहां से 0 में से 1 जाता है, नहीं जाता है, यहां से कैरी आएगी, यहां से कैरी आएगी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 यहां हो जाएगा, यहां से इसको कैरी देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहां से इसको कैरी देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहां से इसको कैरी देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, यहां से इसको दिया तो यहां कितना हो गया, 10। अब 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9। लेकिन अब आपके दिमाग में आता हो तो यहां हमने इसको एक कैरी दे दिया, इसका मतलब यहां कितना बचा, यहां 9 बच गया, क्योंकि यहां 10 था, 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहां अब कितना बच गया, 9। तो और 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसी तरीके से देखिए, यहां पहले 10 था लेकिन 1 इसको कैरी दे दिया, पहले यहां 10 था इसको कैरी दे दिया तो यहां कितना बचा, या 9 बचा। कैरी का मतलब होता है हासिल, कैरी का मतलब क्या होता है, हासिल, दे दिया तो यहां 9 बचा, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। उसी तरीके से यहां भी 10 था लेकिन 10 में से हमने 1 इसको हासिल दे दिया, यहां कितना बचा, अभी यहां 9 बचा था तब जाके यहां 10 हुआ था, यहां इसको हासिल दिया तो यहां कितना बचा, यहां 9 बचा, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहां कितना बच गया, यहां 1 था, 1 उसको दे दिया तो यहां कितना बचा, 0 बचा, यहां कितना बचा, 0 बचा, क्योंकि पहले 1 था, 1 हासिल दे दिया इसको, फिर हासिल दिया इसको, फिर हासिल इस तरीके से दिया था, यहां कितना बचा, 0 बचा, था यहां से इसको क्या दे देंगे, 1 हासिल दे देंगे, कहां से, यहां से 1 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये बॉर्डर, तो यहां भी बॉर्डर कितने आदमी होने चाहिए, बॉर्डर के इस तरह 5 आदमी, तो यहां भी 5 आदमी होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आदमी है, बिल्कुल सही है। तो यहां कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 में से 3 जाता है, नहीं जाता, ये इसको क्या दे देगा, हासिल दे देगा, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, 0। और यहां हासिल देते ये कितना हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 7 बचता है, कितना बचता है, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.52679। इस तरीके से दशमलव संख्याओं को घटाया जाता है। तो ये चीज है तो आपके दिमाग में करनी है, हासिल वाली, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके ये चीजें समझ में नहीं आती तो वो उसको भी लिख सकता है, तो आप इसको भी क्या कर देना है, नोट कर देना है। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो, आप फटाफट से नोट कर दीजिए। इस तरीके से दशमलव संख्याओं को घटाया जाता है। अब हम कर देते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। तीसरी स्टेप में हम क्या कर देते हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा कर देते हैं। गुणा किस तरीके से किया जाता है वो इस टॉपिक में हम सीख लेते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरीके से करना है, तो दशमलव संख्याओं का गुणा करना बड़ा ही इजी है। चलिए कर देते हैं गुणा, 5.125 को 0.25 से अगर गुणा करना है तो किस तरीके से आप गुणा करोगे बताइए। गुणा किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए 5.125 लिख रखा है, इसको गुणा करना है किससे, 0.25 से गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह होना चाहिए कि यहाँ बॉर्डर से इस तरफ कितने आदमी खड़ा है, 1, 2, 3, और यहाँ गुणा करना है, और यहाँ भी बॉर्डर से इस तरफ कितने आदमी खड़े हैं, 1 और 2, टोटल कितने आदमी बॉर्डर के उस तरफ खड़े हैं, 1, 2, 3, तो इधर और 2, ये टोटल कितने आदमी खड़े हैं उधर, 5 आदमी बॉर्डर के इस तरफ खड़े हैं। यानी हमारे को दशमलव 5 संख्याओं को छोड़ करके फिर लगाना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बॉर्डर से टोटल कितने आदमी है, 3 तो ये और 2 ये, टोटल 5 आदमी बॉर्डर के
इस तरफ खड़े हैं तो हमारे को बॉर्डर के इस तरफ कितने आदमी खड़े करने होंगे, टोटल 5 आदमी खड़े करने होंगे, 3 तो ये वाले और 2 ये वाले, 5 जनों की जगह इस बॉर्डर के इस तरफ खाली है और जो बचेगा बाकी वो किस तरफ आ जाएगा, बॉर्डर के इस तरफ। बॉर्डर का मतलब ये दशमलव, यानी इसको क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं, दशमलव के इधर, यानी ये दशमलव क्या है, पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको गुणा कर देते हैं। अब देखिए 25 को अगर आप इससे गुणा करोगे, डायरेक्ट पूरा गुणा करोगे तो किस तरीके से होगा, 25 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 25 बंजे 125, 125 का 5 तो ये आ जाएगा, हासिल कितनी लग जाएगी 12, 25 बंजे 125 क्या होता है, 125 होता है, तो 125 का 5 तो ये आ जाएगा, हासिल जो बचेगा वो हासिल यानी 12 हासिल आ जाएगी। 25 को 2 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 25 दो 50 आ जाएगा, 50 में 12 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में अगर 10 जोड़े तो 60, और 60 के ऊपर 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 62, टोटल कितना आ जाएगा, 62, तो 62 का 2 और हासिल कितनी लग जाएगी, 6 लग जाएगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 25 का गुणा करेंगे 1 से, 25 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 और 5 30 और 1 31, 31 का 1 हासिल कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी, 31, 31 यानी 1 तो यह लग जाएगा और हासिल कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। फिर वह 25 का भाड़ा बोलेंगे, 25 बंजे 125, 125 और 3 128 कितना, 128, तो 128 में से 8 तो ये आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया, इसका जो आंसर होगा गुणा करने के बाद में वो कितना आ जाएगा, 1.28125, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.28125 आ जाएगा। इस तरीके से इसका गुणा करना रहता है। तो आशा करता हूं गुणा करना भी आप सीख गए होंगे। सबसे पहले गुणा करने में सबसे पहले जो अपना दिमाग लगाना वो लगाना है कि बॉर्डर के इस तरफ कितने आदमी खड़े हैं, 1, 2, 3 तो ये हो जाएंगे, 2 बॉर्डर के इस तरफ 2 ये आदमी हो जाएंगे, यानी 5 संख्याओं को छोड़ करके पॉइंट लगाना, यानी 5 जगह जनों की जो है जगह बुक हो चुकी है, यानी 5 सीटें जो है बुक हो चुकी है, तो 5 सीटें तो यहाँ रहेगी, उसके बचने के बाद में जो भी होगा वो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 जगह छोड़ने के बाद में फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब सीधा गुणा करना है, किसका गुणा करना है, 5, 1, 2, 5, इसका गुणा किसके साथ में कर दोगे, 25 के साथ में गुणा कर दोगे। बस अपने को ध्यान क्या रखना है, आंसर जो आएगा वो 5 संख्याओं को छोड़ करके फिर आएगा, 5 संख्या तो इस तरफ होगी, जो बचेगी वो इस तरफ आएगी, हमने यही किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये हो जाएगा दशमलव संख्याओं का गुणा, क्या हो जाएगा, दशमलव संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो ये भी आप नोट कर दीजिए। अब हम कर देते हैं दशमलव संख्याओं का भाग, क्या कर देते हैं, दशमलव संख्याओं का भाग। इसी संख्या को लेकर हम भाग भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे भाग, हम कर रहे हैं दशमलव संख्याओं का भाग, क्या कर रहे हैं, दशमलव संख्याओं का भाग कर रहे हैं। किस तरीके से दशमलव संख्याओं का भाग किया जाता है, भाग कीजिए, क्या कर देना, इससे भाग कर देना, ठीक है। भाग किस तरीके से करेंगे, तो पॉइंट 25 है, इसको भाग दे देना है किससे, 5.125 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में इस तरीके से होना चाहिए कि 5.125 इसको भाग किसे देना, 0.25 से। तो यहां देखिए बॉर्डर के इस तरफ कितने आदमी है, 3 आदमी, 1, 2, 3, लेकिन यहाँ क्या है, डिवाइड है, यानी ये एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे, जुड़ नहीं रहे, ये कह रहा है हम तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, मैं तुझे काट लूंगा और काट लूंगा इसका मतलब ये भी पूरा प्रयास करेगा काटने का, ये भी पूरा प्रयास करेगा। ऊपर तो बॉर्डर के इस तरफ 3 आदमी, इस तरफ बॉर्डर के कितने आदमी, 2 आदमी, ये 2 आदमी तो इन दोनों आदमियों को मार देंगे। बॉर्डर के इस तरफ कितना आदमी बचेगा, केवल 1 आदमी बचेगा, कितना आदमी बचेगा, 1 आदमी, 1 आदमी बचेगा का मतलब एक संख्या को छोड़ करके क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितने संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या को छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके से पॉइंट का पता लगाएंगे कि पॉइंट कितने संख्याओं को छोड़ के लगेगा। तो यहां देखिए आप 5.125 है और हमें 0.25 से इसको भाग देना है। तो यहां वो बॉर्डर के इस तरफ 1, 2, 3 आदमी ऊपर है
बॉर्डर के इस तरफ दो आदमी नीचे है, ये दो आदमी तो दोनों आदमियों को क्या कर देंगे, मार देंगे, लेकिन एक आदमी बच जाएगा, यानी पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आएगी, एक संख्या आएगी। तो अपने को यहाँ सिंपल क्या कर देना है, भाग दे देना है। यहाँ हमारे को क्या करना है, सिंपल भाग दे देना है, यानी भाग सिंपल भाग का मतलब 25 का भाग देना है, 5125 यानी 5125 में भाग देना है। तो 25 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 25 दो 50, यहाँ 50 आ जाएगा, बच गया एक, उतर गया दो, और 25 में नहीं जाता तो क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। जीरो लगते ही ये क्या आ जाएगा, हासिल शुभ लगते ही यहाँ क्या आ जाएगा, आगे वाली संख्या उतर जाएगी, ये आगे वाली संख्या उतर गई। 25 का पाड़ा कितनी बार बोला है कि 125 आ जाए, 25 बन जाए 125, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। अब हमारे को देखना है कि बॉर्डर के इस तरफ कितना आदमी होना चाहिए, बॉर्डर के इस तरफ एक आदमी होना चाहिए, यानी ये बॉर्डर इसके एक इस तरफ कितना आदमी होना चाहिए, एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20.5 आ जाएगा, यानी 5.125 को 0.25 से अगर भाग दिया जाए तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 20.5 आंसर आ जाएगा, 20.5, यानी एक आदमी बॉर्डर के इस तरफ खड़ा रहेगा। कैसे खड़ा रहेगा, वो आपके दिमाग में आ गया तो अभी कभी भी आपके ऐसी चीजें दिमाग में आएगी, ऊपर 3 नीचे 2, यानी 2 इसमें से घटा देना, ऊपर क्या कर देना, इसमें से घटा देना, पॉइंट के नीचे कितने आदमी, 2 आदमी, पॉइंट के ऊपर कितने आदमी, 3 आदमी, यानी 3 आदमी से 2 आदमी गया, कितना बचा, 1 आदमी, यानी पॉइंट के बाद में कितना आदमी बचेगा, 1 आदमी बचेगा। तो इस तरीके से भाग में क्या किया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है, और गुणा होता तो क्या होता, आदमी जुड़ जाते, और भाग में क्या होता है, भाग में कट जाते हैं आदमी, क्या हो जाता है, भाग में आदमी क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।